इन्होंने मुझे ये कहा कि आप 7:30 आ गए हो, 8 बजे ऑफिस खुलता है, आप दोबारा जाओ। मतलब यहाँ ये ग्लिच है कि आप जल्दी पहुंच गए हो तब भी प्रॉब्लम। तो उसको फ्लैग पोलिंग कहते हैं कि आपको कोई भी वर्क परमिट लेना हो, टूरिस्ट वीजा से कन्वर्ट कराना हो, या ओपन वर्क परमिट लेना है, या स्पाउस ओपन वर्क परमिट लेना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेना है। टूरिस्ट वीजा पे अगर आपके पास LMI है ना, LMI का पेपर है, LMI दे दिया एम्प्लॉयर ने, तो आप ऑनलाइन अप्लाई मत करो। अगर आपको 6 महीने से ऊपर स्टे करना है ना, तो आपको मेडिकल कराना पड़ता है। आप जितना रिसर्च करते हो ना, उतना एक्सपीरियंस गेन करते हो और उतने ही समझदार शो। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मुझे कभी कभी टाइम मिलता है, मुझे लगता है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो जो आज का वीडियो है वो वीडियो है कि हमने US बॉर्डर 2 बार एक ही दिन में कैसे पार किया और वापस आए, तो वो क्या रीज़न था। और हमारे साथ एक दो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 3-3 बार किया है, तो वो सारा सिस्टम फ्लैग पोलिंग का था। हम फ्लैग पोलिंग करने गए थे परसों और उसकी सारी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और फ्लैग पोलिंग होती क्या है। फ्लैग पोलिंग होती है, जैसे मान लो आपको लगता है कि टूरिस्ट वीजा से मेरे को वर्क परमिट करवाना है, कोई भी ऐसा काम है जो कि ऐसा लगता है, आपको ऐसे लगता है कि जो कि मुझे मुझे अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप बॉर्डर पे जाके उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट इमिग्रेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हो और वो आपका कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए आपको बॉर्डर पार करना होता है, ठीक है ना। आप टूरिस्ट स्टेटस पे हो, आप टूरिस्ट से वर्क परमिट कन्वर्ट कराने के लिए टेक्निकली आपको बॉर्डर पार करना, मतलब बॉर्डर पार करके वापस आना जरूरी होता है ताकि आपका स्टेटस चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए फ्लैग पोलिंग करनी पड़ती है, इसको फ्लैग पोलिंग कहते हैं। तो वो भी हर बंदा नहीं कर सकता, जैसे स्टूडेंट हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेकर आना होता है, तो वो बॉर्डर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ये सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मेरी स्टडी पूरी हो चुकी है, मेरे को वर्क परमिट कन्वर्ट कराना है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए वो बॉर्डर पे जाते हैं और अपना वर्क परमिट लेके आ जाते हैं। ऐसे ही स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी वैसे ही लगता है, जैसे मान लो वाइफ या हस्बैंड किसी वर्क परमिट पे हैं और वाइफ या हस्बैंड उन्हीं का ही पार्टनर ये चाहता है कि मेरा वर्क परमिट भी लग जाए, मैं यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आ तो गया हूँ, या फिर मतलब वर्क परमिट लगा हुआ है और उसकी एक्सटेंशन करवानी है, आपको लगता है कि वो ख़त्म होने वाला है तब भी, तो उनको लगता है कि हम बॉर्डर पे जाएं और मेरे वाइफ का तो लगा ही हुआ है, जैसे मैंने अपने हस्बैंड का कराया था, मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, हम बॉर्डर पे गए थे और बॉर्डर पे जाके मेरे वर्क परमिट के बेस में मैंने अपने हस्बैंड का ओपन वर्क परमिट ले लिया था, ठीक है। वैसे ही अब मेरा बेटा डिपेंडेंट चाइल्ड है जो कि 15 साल से ऊपर एज का है, 15.5 का है, और यहाँ 14 साल से ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हमें लगा कि अभी 2 महीने की उसकी छुट्टियां होने वाली हैं और 2 महीने में वो बहुत ही टाइम वेस्ट करेगा, तो हम बॉर्डर पे गए और उसका वर्क परमिट लेने की कोशिश की, जो कि नाकामयाब हो गई। एज यूजुअल यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और आपको भी बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो। तो वो क्या प्रॉब्लम हुई मैं बता देती हूँ कि इसके डेज होते हैं, हम पीस बॉर्डर पे गए थे, यहाँ पर जैसे ओंटारियो में हम रहते हैं तो यहाँ पर 3 बॉर्डर हैं, रेनबो ब्रिज, पीस बॉर्डर और एक और है, ठीक है, सेंट कैथरीन है, पता नहीं कौन सा है, तो 3 बॉर्डर हैं और पीस ब्रिज पे ही मेरे हस्बैंड का ओपन वर्क परमिट मिला था, तो हम दोबारा वहीं गए थे ताकि हमारे मेरे बेटे का ओपन वर्क परमिट लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं सारी तैयारी करके गई थी, सारी मैंने ले लिए थे डॉक्यूमेंट, और सुबह सुबह इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जो बॉर्डर सर्विसेज है ना वो इमिग्रेशन का काम नहीं करती, वो बीच बीच में तब तक करती हैं जब तक उनकी लिमिटेशन एक पूरी ना हो जाए कि हाँ ये 10 फाइलें हो गई हैं, 15 हो गई हैं बस। तो वहाँ काफ़ी लोग आए होते हैं, तो इतने भी नहीं आए होते मतलब, तो सुबह हम 5:30 यहाँ से निकले और 6:30 पहुँच गए, ठीक है। तो 6:30 पहुँच के हमें बॉर्डर पे जाना होता है, तो बॉर्डर पे जाने के लिए मैं नहीं बॉर्डर पे गई थी, मेरे हस्बैंड और बेटा गया था, वैसे तो सिर्फ बेटे को जाना चाहिए था बट माइनर था इसलिए एक अडल्ट का जाना जरूरी था, तो मेरे हस्बैंड और बेटा गया। मैं अभी स्क्रीन पे थोड़े से दिखा देती हूँ आपको पिक्चर्स की वो कैसे गए थे, और वो पूरा वॉकिंग होता है वहाँ पर, आप जब बॉर्डर पे पीस बॉर्डर पे पहुँचते हो तो वहाँ से आपको वॉक करके आगे जाना पड़ता है,
और फिर वहाँ आप यूएसए के बॉर्डर पे पहुँचते हो, यूएसए में इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं या बॉर्डर सर्विसेज बैठे होते हैं, वो आपको एक वाइट कलर का पेपर देते हैं कि यस आपने फ्लैग पुलिंग कर ली है, आपने बॉर्डर पार कर लिया और आप वापस आ गए हो और आप चले जाओ, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी कि यूएसए बॉर्डर पे ये जब पहुंचे ना तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, जबकि वहाँ सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, वहाँ पर इनको 1 घंटा लग गया। और मेरे हस्बैंड की ना मतलब उन्होंने फिर उनको एंग्जाइटी हो गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि हमें 8 बजे वापस कनाडा बॉर्डर पे आना होता है और इमिग्रेशन ऑफिसर 8 से 9 एंटरटेन करता है और उसके बाद एंटरटेन नहीं करता, मतलब उनकी लिमिटेशन होती है 10-15। पिछली बार हम 8 बजे पूरे पहुंच गए थे, उससे पहले इनफैक्ट पहुंच गए थे 7:45, ठीक है। अब यह एक और ग्लिच है वो भी बताती हूँ मैं। तो क्या हुआ कि जब 9:30 हो गए ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, आप तो 9:30 हो गए, आप तो यूएस बॉर्डर पे ही बैठे हुए हो अभी तक। तो इन्होंने फिर बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है और सच में हो भी रही थी, तो आप कर दो। तो उन्होंने कर दिया, वाइट पेपर दिया, वाइट पेपर लेके वापस आ गए। जब यहाँ पहुंचे ना तो कहते हैं हम लास्ट बंदे को अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद हम किसी को नहीं अटेंड करेंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये बोला, तो आप चले जाओ अभी, आज चले जाओ, अभी नहीं आया तो आफ्टरनून में आना, क्योंकि वो सारा दिन होता है पीस बॉर्डर पे, 3 दिन होता है काम, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, बट बीच में वो बंद भी कर देते हैं। तो हमने सोचा हम वेट करते हैं, वेट करते रहे करते रहे, तो 2-3 और फैमिलीज भी थी हमारे साथ, एक कपल थे और एक और पर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि वो भी वापस आ गए थे, मतलब उनको भी नहीं मिला। तो वो कहता है कि एक लड़का था हमारे साथ, करण है उसका नाम, तो वो कहता है कि मैं यूएस बॉर्डर गया, मैं तो 7:30 पे पहुंच गया था वापस कनाडा बॉर्डर पे, कनाडा इमिग्रेशन ऑफिस के आगे खड़ा हो गया था, इन्होंने मुझे ये कहा कि आप 7:30 आ गए हो, 8 बजे ऑफिस खुलता है, आप दोबारा जाओ। मतलब यहाँ ये ग्लिच है कि आप जल्दी पहुंच गए हो तब भी प्रॉब्लम, 7:30 पे पहुंच गए हो। तो फिर उनको दोबारा भेजा कि दोबारा जाओ यूएसए बॉर्डर पे, बेचारा दोबारा गया, क्योंकि वो आधा घंटा 1.25 घंटा चलने का रास्ता है, मतलब ऐसा इतना इजी नहीं है, गर्मी भी काफ़ी थी। वो बेचारा वापस आया, जब वो हमारे साथ वापस आया, जब हम आए थे 9:30, वो 9:30 वापस आया, तो उसको भी मना कर दिया, हमें भी मना कर दिया, तो दोनों बार मना हो गया। तो 2 बार बेचारा गया और 2 बार मना हो गया। फिर हमने प्लानिंग की कि हम 12 बजे जाएंगे यूएस बॉर्डर पे, तो फिर 12 बजे मेरे हस्बैंड थक चुके थे, मैं अपने बेटे के साथ गई यूएस बॉर्डर पे, तो फोटोज़ भी शेयर कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम जब गए वहाँ पर, तो हमें 2 मिनट में उन्होंने वाइट पेपर दे दिया, और हम जितने बंदे गए थे, 4-5 गए थे, तो एक ही पेपर में सबका नाम लिख के साइन हो गए और सब कुछ हो गया। जब हम वापस गए ना वो वाइट पेपर लेके, तो वो कहते हैं जी इमिग्रेशन ऑफिस बंद है, अभी नहीं खुला, 1 बज गया था उस टाइम, 1:30, कह रहे अभी नहीं खुला, तो आप शाम तक आना 5-6 बजे तक। अब ऐसे नहीं होता कि हम इतनी देर वेट करते हैं, और वो हमने इतनी रिक्वेस्ट की, कोई नहीं माना वहाँ पे। तो ये चीज़ है, यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको जाना है ना, तो आप 5:30 मतलब वहाँ पर यूएस बॉर्डर पे जाने के लिए आप 6:30 वहाँ चले जाओ, 6 o'clock ही चले जाओ, चाहे 5:30 पे भी चले जाओ। जब यूएसए में आपका काम हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पर कनाडा बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिस जो सा है बॉर्डर सर्विसेज का, वहाँ पर 8 बजे से पहले मत पहुँचना। आप चाहे धीरे धीरे चल लो, है ना, बॉर्डर पे धीरे धीरे चल लो, वहाँ बैठ जाओ रास्ते में पुल आता है एक, वहाँ बैठ जाओ। जब एग्जैक्ट 8 बजेंगे ना आप, तब कनाडा बॉर्डर सर्विसेज में इमिग्रेशन ऑफिस के आगे खड़े हो, ताकि वो 8 बजे एक तो अटेंड करे, और ऊपर से इतने बंदे भी नहीं हुए होंगे 8 बजे, क्योंकि 8 बजे तो ऑफिस खुलता है कि आपको अटेंड ना करे, ठीक है। तो 8:05 पे 8:10 पे आपका काम हो जाएगा, 8:30 तक, आधे घंटे तक काम होता है, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो मेरा बेटा फिर हम वापस आ गए उस दिन। अब हमने फिर ट्यूसडे को जाना है, तो ये हमारे साथ हुआ। हमने 2 बार क्योंकि वो पासपोर्ट में भी लिखा जाता है और ऑनलाइन भी आ जाता है कि हमने यूएसए 2 बार मतलब बॉर्डर क्रॉस किया है 2 बार, ठीक है। तो उसको फ्लैग पोलिंग कहते हैं कि आपको कोई भी वर्क परमिट लेना हो, टूरिस्ट वीजा से कन्वर्ट कराना हो, या ओपन वर्क परमिट लेना है, या स्पाउस ओपन वर्क परमिट लेना है, या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेना है, तब भी आप बॉर्डर पे जाते हो, एक्सटेंशन भी करनी है। मैं हमारे साथ जो कपल थे एक्सटेंशन के लिए आए हुए थे, तो एक्सपायर हो रहा होगा ना वर्क परमिट, तो तब भी आपको बॉर्डर पे जाना पड़ता है। और बॉर्डर पे जाके पहले आप यूएसए के बॉर्डर पे जाते हो, वहाँ से वाइट पेपर लेते हो, उसको उनको बोलते हैं कि हम फ्लैग पोलिंग के लिए आए हैं, हमें यूएसए नहीं जाना। फिर आप वापस आते हो, कनाडा इमिग्रेशन का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर अपना वो दिखाते हो, और फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिस में कुछ फीस जमा करानी पड़ती है वर्क परमिट की, और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो ये प्रोसीजर है। और जो माइनर चाइल्ड है उसको भी वर्क परमिट मिल सकता है, स्टडी परमिट मिल सकता है बॉर्डर पे, बट वो वर्क परमिट के लिए 14 साल से ऊपर होना चाहिए, आपका डिपेंडेंट होना चाहिए, और आपके बेस पे मिलना है तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। तो ये ऑल अबाउट था कि हम मैंने आपका एक्सपीरियंस शेयर करना था कि कल हम गए थे और
टाइम से पहुंच भी गए थे लेकिन एक बैड लक था और हमारा काम नहीं हुआ और हम वापस आ गए। अब ये ट्यूसडे को हम फिर जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है कि फ्लैग पोलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं कैसे नहीं, इनिशियली नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप टूरिस्ट वीजा पे आए हो और टूरिस्ट वीजा पे अगर आपके पास LMI है ना, LMI का पेपर है, LMI दे दिया एम्प्लॉयर ने, तो आप ऑनलाइन अप्लाई मत करो, आप वहां चले जाओ बॉर्डर पे और वहां जाके अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करा दो अगर आपके पास LMI है। जैसे मेरे पास था तो मैं भी करा सकती थी, ठीक है, तो वो भी उसमें भी हो जाता है वर्क परमिट कन्वर्ट, बस आपके पास LMI होना चाहिए और एम्प्लॉयर ने लिख के दिया होना चाहिए कि यस मैं इसको हायर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके, LMI का पेपर होता है, जॉब ऑफर होता है और आप अपनी फीस लेके जाओ, पासपोर्ट लेके जाओ, ठीक है, और मेडिकल भी होता है, मेडिकल भी करवा लो, अप फ्रंट मेडिकल फिर कराना पड़ता है आपको ना LMI के बाद, मेडिकल भी आपके पास होना जरूरी है। मेरे बेटे के पास मेडिकल था डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसका टूरिस्ट वीज़ा 6 महीने से ऊपर उसको स्टे करना पड़ा, तो गवर्नमेंट जनरली क्या करती है कि अगर आपका मेडिकल, अगर आपको 6 महीने से ऊपर स्टे करना है ना, तो आपको मेडिकल कराना पड़ता है, तो मेरे बेटे का मेडिकल भी था और ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं वर्क परमिट के लिए, आपको मेडिकल के बगैर वर्क परमिट नहीं मिलता, तो आप वो मेडिकल भी लेगी थी और अपना उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेगी थी और अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेगी थी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। और जिन्होंने LMI से कन्वर्ट कराना है उनके पास LMI होना चाहिए, या तो ऑनलाइन वो वर्क परमिट कन्वर्ट करा लें या फिर फ्लैग पोलिंग करके, मतलब जैसे मैंने बताया कि वहाँ जाके अपना LMI दे के, जी मेरे को एम्प्लॉयर ने दे दिया है, आप मेरा वर्क परमिट कन्वर्ट करा दो, तो वो वर्क परमिट कन्वर्ट करा देते हैं। तो ये फ्लैग पोलिंग का प्रोसेस होता है, ये कुछ थोड़ा सा वियर्ड सा प्रोसेस है, बट हाँ दैट्स ऑल अबाउट। ये इन चीज़ों की नॉलेज मेरे को किसी ने दी नहीं है, ये सारी नॉलेज मैंने खुद ली है, वेबसाइट्स पे जाके खुद पढ़ के रिसर्च करके। ये सारे कमेंट्स मेरे को आते हैं कुछ कि यू आर ए वेरी ब्रेव गर्ल, ये कर, कुछ नहीं ब्रेव रूप कुछ नहीं होता, आप जितना रिसर्च करते हो ना उतना एक्सपीरियंस गेन करते हो और उतने ही समझदार शो होते हो, ठीक है, जितनी मैंने रिसर्च की हुई है ना इसमें। और ऐसा नहीं है कि बहुत मर मर के सारी सारी रात बैठ के रिसर्च की हुई है, जो जो मेरे को टॉपिक होता है ना मैं उसको ढंग से उसके वीडियो देखती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, हर बंदे के साथ कोई ना कुछ तो घटित हुआ होता है, वो देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, सारा लिस्ट आउट करती हूँ और फिर अगले दिन जाती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा और अगर लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, मैं और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, और भी कोई टॉपिक आपको लगता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।